अजमेर के सिविल लाइन थाने में हुआ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जराना अस्पताल अजमेर। रीट कार्यालय में तैनात हरिजन सैनी नामक व्यक्ति ने SP के समक्ष पेश होकर शिकायत दर्ज कराई है कि उसका कुछ व्यक्तियों से 25 लाख रुपए का लेन देन था। उसने 25 लाख रुपए लिए थे, जिसके बदले में पीड़ित ने चेक और स्टाम्प दे दिए थे, लेकिन श्याम सैनी के 25 लाख लौटाने पर भी उसे स्टाम्प और चेक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए पीड़ित ने SP के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने धोखाधड़ी में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट। नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। कल दिनांक 1 तारीख को श्रीमान SP साहब के कार्यालय से हरिश्चंद सैनी की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। हरिश्चंद सैनी ने यह आरोप लगाया कि वो यहाँ रीट कार्यालय में स्टाइपेंड पे काम करता था। उसने कुछ व्यक्तियों को 25 लाख रुपए कोई लेन देन में पैसे दिए थे, जिसके बदले में उसने स्टाम्प और चेक दे रखे थे। उसका ये कहना है कि मैंने 25 लाख रुपए उन व्यक्तियों को वापस दे दिए, लेकिन मेरे स्टाम्प और चेक अभी तक नहीं दिए गए, इसलिए मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुई। उसमें धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये लोग टोंक और भीलवाड़ा के निवासी है, असलम जावेद। इन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। आगे अनुसंधान जारी है।